Sanskrit writing. All right. Oh. Sanskrit time writing. What's that? Sanskrit. Sanskrit writing. Oh, yeah. अस्सलाम वालेकुम। तो आज काफ़ी अर्से बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगा जूलियां। जूलियां बुद्ध मत मज़हब की ना सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ये सेकंड सेंचुरी में बनाई गई थी। तो आइए आपको जूलियां दिखाते हैं। तो जूलियां दिखाने से पहले मैं आपको दो टर्म बताना चाहूँगा जो बुद्ध मत मज़हब में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक बुधा और दूसरा स्टूपा। बुद्धा एक शहजादे का नाम था जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो वो एक शहजादा था और बेसिकली जो वो भी बुद्ध मत मज़हब है ना ज़्यादातर बुधा को फॉलो करता है। बुधा की जो भी तालीमात थी, जो भी उसने अपनी तालीमात दी थी, सब उसको फॉलो करते हैं। और दूसरी टर्म जो है स्टूपा, स्टूपा कहते हैं बेसिकली कि वो जगह जहाँ पे ना बुद्धा इबादत करता है उसको स्टूपा कहते हैं। तो जूलियां के ना ये बिल्डिंग जो थी ये सेकंड लेवल तक थी, मतलब इसके फर्स्ट फ्लोर भी था सेकंड फ्लोर भी था। तो ये देख रहे हैं ये मतलब इसके 27 कमरे थे। ये वो जगह थी मतलब स्टूडेंट्स जो थे, क्योंकि ये एक बुद्धा की एक बुद्ध मत की मज़हब की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इबादत किया करते थे। इसके साथ इसका ये सीढ़ियाँ हैं साथ में, मैं आपको दिखाऊँ तो ये सीढ़ियाँ हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती थी, इसी तरह सेकंड फ्लोर की भी। तो यहाँ कई किस्म के लोग आते हैं। ये फॉरनर आए हुए थे कोई इंग्लैंड से, जो ये जगह देखने के लिए आए हुए थे। इसी तरह साउथ कोरिया, चाइना और जो भी बुधा मज़हब के फॉलोअर्स होते हैं वो अपने ख़ास जो इनके बुद्ध मत मज़हब की डेट्स होती हैं उन डेट्स में यहाँ पे आके इबादत किया करते हैं। इन पत्थरों पर मौजूद हर नक्श बुधा की ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू पर रोशनी डालता है। तो ये है हीलिंग बुधा। तो जब भी बुद्ध मत के मानने वाले में किसी के भी मतलब जो भी बीमार हो जाता था ना, तो वो इधर अपनी उंगली डाल के ना, अपना दाएं हाथ की उंगली डाल के ना अपनी मन्नत मांगता था कि मैं सही हो जाऊं तो वो ठीक हो जाया करता था। मतलब ऐसा इनका एक कोई कॉन्सेप्ट था। और ये स्टूपे हैं सारे, ये डिज़ाइन, क्योंकि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो था वो इबादत का था और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो भी थे ना वो इनके थे। मतलब वहाँ पे बैठ के ये मतलब रहते थे और बाकी जो काम होता, जो इबादत की सीन होता था वो सारी, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी थी तो इबादत का सारा सीन नीचे होता था।